नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि बाजरा चावल व्यवसाय कारखाना स्थापित करने के लिए कौन सी मशीनें खरीदनी है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं तो अपने कारखाने को कैसे उन्नत करें। यह वीडियो बाजरा चावल व्यवसाय स्थापित करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए अवश्य देखा जाना चाहिए। बाजरा चावल का व्यवसाय शुरू करते समय एक ऐसा कारखाना होना सबसे अच्छा है जो प्रतिदिन 400 किलोग्राम बाजरा चावल का उत्पादन कर सके। यदि आप कम से शुरू करते हैं तो आपको 6 से 12 महीनों के भीतर अपनी मशीनों को उन्नत करने की आवश्यकता होगी। अधिक से शुरू करने से लंबे समय तक अप्रयुक्त क्षमता हो सकती है। आर्थिक रूप से 8 घंटे के कार्य दिवस के लिए प्रतिदिन 400 किलोग्राम क्षमता से शुरू करें। बाद में जैसे जैसे आपका व्यवसाय बढ़ता है, आपके पास दो विकल्प होते हैं। यदि 16 घंटे का कार्य दिवस संभव नहीं है तो 2 से 3 वर्षों के बाद सीधे 1000 किलोग्राम प्रतिदिन तक बढ़ाएं। यदि आप 16 घंटे काम कर सकते हैं तो पहले दिन में 2 पालियों में काम करके प्रतिदिन 800 किलोग्राम तक बढ़ा दें। एक बार जब आप प्रतिदिन 800 किलोग्राम क्षमता का पूरी तरह से उपयोग कर रहे हैं तो प्रतिदिन 1000 किलोग्राम तक अपग्रेड करने पर विचार करें। अब आइए आपको जिन सही मशीनों की आवश्यकता है उनके बारे में गहराई से जानें। 100 किलोग्राम प्रति घंटे की कारखाने की क्षमता के साथ बाजरा चावल का व्यवसाय शुरू करते समय आपको कई प्रकार की मशीनरी की आवश्यकता होगी। बाजरे के प्रसंस्करण के लिए आपको बाजरे के अनाज से धूल, गंदगी और अन्य अशुद्धियों को हटाने के लिए पूर्व सफाई और पुनः सफाई करने वाली मशीनों की आवश्यकता होगी। 100 किलोग्राम प्रति घंटे की क्षमता वाली मशीन का लक्ष्य रखें, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए है। फिर आपको बाजरा के अनाज के बाहरी भूसे को हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली डीहललिंग मशीन की आवश्यकता होगी, जो बाजरा प्रसंस्करण में एक महत्वपूर्ण कदम है। आदर्श रूप से 100 किलोग्राम प्रति घंटे की क्षमता के साथ शुरू करें, जिसकी कीमत लगभग 2,50,000 रुपए होनी चाहिए। आपके पास पैकेजिंग मशीन भी होनी चाहिए, जो संसाधित बाजरे को विभिन्न आकारों में कुशलता से पैकेजिंग करने में मदद करती है, जो वितरण के लिए तैयार है 100 किलोग्राम प्रति घंटे की क्षमता के साथ, जिसकी लागत लगभग 10,000 से 20,000 रुपए है। आपको सामग्री और अंतिम उत्पाद को तौलने के लिए एक वजन मशीन की भी आवश्यकता होगी। 50 किलोग्राम तक के वजन पैमाने की कीमत लगभग 5,000 से 10,000 रुपए होगी। व्यापार को चैनल की सदस्यता ले। ऑल द बेस्ट।